मध्य प्रदेश के बड़वाह में लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान सुबह से दोपहर 12 बजे तक फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों के लिए पास जारी किए गए हैं। करीब 100 हाथ ठेला चालकों को प्रशासन ने पास दिए हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद भी कई फल सब्जी विक्रेता हैं जो लगातार फेरी लगाते रहते हैं और ऐसे कई लोग कैमरे में कैद भी हुए हैं। लेकिन ठेला चालकों की मनमानी रोकने के लिए बुधवार को एसडीएम मिलन ढोकी के निर्देश पर सीएमओ हरिराम सिंधिया, थाना प्रभारी टीआर पटेल, नायब तहसीलदार टी बिस्के सहित मनोहर डुलगंज, इंजीनियर धर्मेंद्र चंदेल, राहुल सोलंकी दलबल के साथ एमजी रोड पहुंचे हैं, इंदौर रोड पहुंचे हैं और खंडवा रोड, जहां उन्होंने 5 ठेला संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो वहीं 2 महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनका सामान जब्त किया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वाह से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। फल और सब्जी के जो थैले की छूट जो सुबह से 12 बजे तक के है, इस दरमियान सीएमओ साहब के साथ अभियान के तहत 2 थैले सब्जी व्यापारी को लाए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। 12 बजे के बाद भी आप बाज़ार में अपनी सब्जी और फल फ्रूट कैसे विक्रय विक्रय कर रहे थे, उसके बाद संतुष्टि होने के बाद विधि संगत जो कार्रवाई होगी की जाएगी। जो सब्जी विक्रेता और जो फ्रूट विक्रेता जो ठेले पे अपना सामग्री विक्रय कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की गई है माननीय प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सब्जी विक्रेता फूल विक्रेताओं को पास जारी किए गए हैं और उनको हिदायत दी गई थी कि सुबह 6 से 12 बजे तक वो अपनी सब्जी और फल फ्रूट विक्रय कर सकते हैं, परंतु समय का उन्होंने विशेष ध्यान नहीं रखा और समय के अतिरिक्त 12 बजे के बाद भी वो अपना फल और सब्जी विक्रय कर रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रशासन सख्ती से उन पर कार्रवाई कर उन पर जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 ठेले हैं, 18 छबड़ी है, केरेट 10 है, महिला 2 है, 5 पुरुष को पकड़ के थाने में लाए हैं।